हेलो एवरीवन, आई एम श्वेतांबरी शर्मा फ्रॉम के एम एस फैशन। सो आज हम न्यू टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज़ आर फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम फ्रॉम FSSAI। सो ये आपकी योजना वाले ही टॉपिक्स हैं, मींस जो भी हमारी न्यू योजना स्टार्ट हुई है इंडिया में, उनके बारे में ही हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। सो ये पर्टिकुलर टॉपिक आपका फूड साइंस से रिलेटेड है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए एंड जस्ट राइट इट डाउन ऑन योर नोटबुक्स, बिकॉज कोई भी हमारा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। हमारी जो लाइव क्लासेस हैं फॉर चाइल्ड एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, वो स्टार्ट हो जाएंगी 1 फरवरी 2021 से, और साथ के साथ यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी अवेलेबल करा दी जाएंगी, सो आप उनको भी देख सकते हैं। ये जो क्लासेस रहेंगी पेड रहेंगी, और आप इन कॉन्टेक्ट नंबर्स पे डिटेल्स देख सकते हैं। साथ के साथ रेगुलरली हमारी टेस्ट सीरीज़ भी आपको मिलेगी, अकॉर्डिंग टू द जैसे जैसे टॉपिक्स चलता रहेगा उसके साथ ही आपको क्वेश्चंस भी अवेलेबल करा दिए जाएंगे। और साथ के साथ जो आपके ऑलरेडी टेक्सटाइल्स है, आपका अपेरल है या फिर आपका इंटीरियर्स है, उसको भी वो यूनिट्स हमारी हो चुकी हैं, आप उन टॉपिक्स के लिए भी हमारे से कंसर्न कर सकते हैं। सो अगर मैं बात करती हूँ व्हाट इज़ माई FSSAI कंप्लायंस, सो द FSSAI इज़ समथिंग द फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम, FOSCOS। ये आपको अब देखिए आपकी एब्रीवेशंस जो हैं वो हमेशा हमारे क्वेश्चंस में आती हैं, सो फॉर योर एब्रीवेशंस ऑल्सो आपको क्या करना है, इस टर्म को FSCOS, दैट इज़ माई फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम, बिकेम ऑपरेशनल इन द एंटायर कंट्री फ्रॉम November 1, 2020। सो November 1, 2020 से ये हमारा लागू हो गया था, FSSAI का सिस्टम। ये एक हमारी क्या है, रेगुलेटरी बॉडी है, फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी इंडिया की, जो साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड्स है। किस चीज़ के लिए है फॉर ये पर्टिकुलर, ये है आर्टिकल ऑफ फूड्स, मीन्स हमारे फूड रिलेटेड आर्टिकल्स के लिए हैं ये अथॉरिटी यहाँ पर लागू कर दी गई थी। और कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या करते हैं, ये रूल्स और रेगुलेशंस को एक्वायर करते हैं किसके अकॉर्डिंग, जैसा कि अगर मैं आपको से बात करूँ तो हमें इंपोर्ट करना है, हमें स्टोर करना है, अगर हमें सेल करना है, मैन्युफैक्चर करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है किसी भी हमारे जितने भी हमारे फूड सोर्सेज हैं उनके लिए। जो ये सिस्टम है, द सिस्टम इज़ ऑपरेशनल इन 9 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, सो दैट इज़ माई तमिलनाडु। सो इसमें तमिलनाडु हो गया, दिल्ली हो गया, गुजरात, उड़ीसा, चंडीगढ़, गोवा, मणिपुर, पौंडीचेरी एंड लद्दाख, ये हमारी 9 ऐसे स्टेट्स एज वेल एज यूनियन टेरिटरीज है जिसके अंदर इस सिस्टम को, कौन से सिस्टम को, हमारे फूड कंप्लायंस सिस्टम को अप्लाई कर दिया गया है, चालू कर दिया गया है, ठीक है। और ये सिस्टम हमारा किस लिए है, कंज्यूमर्स के लिए, बींग अ कंज्यूमर्स हम लोगों के लिए इसको अप्लाई किया गया है। जो हमारा ये फूड का सिस्टम है, कंप्लायंस सिस्टम है, ये क्लाउड बेस है, इट इज बेस्ड ऑन क्लाउड अपग्रेडेड न्यू फूड सेफ्टी कंप्लायंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड विल रिप्लेस द एग्जिस्टिंग। और इसने किस चीज को रिप्लेस किया गया है, ये भी आपको बहुत जरूरी है जानना, दैट फूड लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम, उसकी एब्रीवेशन है FLRS। सो व्हाट इज FLRS, इज माय फूड लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम। सो अब जो हमारा फूड सेफ्टी का जो कंप्लायंस सिस्टम है उसको रिप्लेस कर दिया गया है, किसके द्वारा, किसकी किसकी जगह पे उसको अप्लाई किया गया है, FLRS की जगह पे इसको अप्लाई कर दिया गया है। सो अगर हम बात करते हैं बेसिकली जो हमारा ये कंप्लायंस सिस्टम है, इज़ कंसेप्शुलाइज्ड टू प्रोवाइड 1 point stop फॉर ऑल द एंगेजमेंट ऑफ फूड बिजनेस ऑपरेटर्स, जितने भी लोग क्या करते हैं, फूड का बिजनेस करते हैं, विद द डिपार्टमेंट फॉर वेरी एनी रेगुलेटरी कंप्लायंस ट्रांजेक्शन्स। सो जितना भी हमारा फूड्स का जो व्यापार होता है, जो इंडस्ट्रीज लगती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, और हर एक रिलेटेड उसके एरियाज के अंदर इसको अप्लाई कर दिया गया है। जैसे कि अगर मैं आपको बात करूं कि इसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या होंगे,
अगर हम इस सिस्टम को चला रहे हैं तो इसके कुछ ना कुछ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स भी उन्होंने सेट किए गए होंगे। तो जैसा कि अगर हम देखते हैं कि आपका सेलिंग के लिए इसको बेचने के लिए इस्तेमाल किया गया है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसको यूज़ किया गया है, और अगर हम बात करें लेबल करने के लिए, बिकॉज लेबलिंग, हम लोग बींग अ कंज्यूमर किसी भी चीज़ के लेबल को पढ़ने के बाद ही उसको परचेज करते हैं, रिटेलिंग के लिए, फार्मिंग के लिए। सो ये सारे के सारे इसके क्या हैं, हमारे कुछ एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं, मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। और अगर हम जर्नल प्रोसीजर की बात करें तो हमारे जो एडिटिव्स हैं उनको कम कर दिया गया है। अगर हमारे जो लेबल्स हैं विदाउट, जैसे क्या होता है, पहले लेबल्स अलग सेल होते थे और फूड अलग सेल होता था, बट अब कर दिया है कि खाली लेबल्स को सेल नहीं करेंगे। वाई? बिकॉज लेबल्स को फिर किसी भी फूड पे वो अप्लाई कर देते थे, बट अब लेबल्स जो हैं उसके ऊपर करेक्ट इन्फॉर्मेशन होगी, लेबल्स जो हैं उसके अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी, लेबल्स को फूड के साथ ही यूज़ किया जाएगा, और जितना भी हमारे कंटेमिनेशंस है, टॉक्सिक सब्सटेंस है, उन सबको इस सिस्टम में एक्सक्लूड कर दिया गया है। सो इक्वल एंड आउट ये चीज़ बात है कि हमारे कंज्यूमर्स को प्रॉफिट देने के लिए, कंज्यूमर्स को अच्छा रखने के लिए इसको सिस्टम को लागू कर दिया गया है। करेक्ट। सो ये थी हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग हमारे फूड सेफ्टी कंप्लाइंस सिस्टम। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन द वीडियो। इसी तरह की रेगुलरली हम एक योजना आपके पास लेके आते रहेंगे। इनको आप कहीं पर भी एक सिंपल प्लेस पे नोट डाउन कर लीजिए, सो दैट गो थ्रू करने में बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम, हैव अ नाइस डे।